व्हाट्सएप मैसेंजर के अंदर बहुत टाइम से जो एक अपडेट आने वाला था जिसके लिए सारे ब्लॉगर्स पागल थे कि व्हाट्सएप का मल्टी डिवाइस सपोर्ट आने वाला है और आ गया। सेलिब्रेशन ने यहाँ पे एक लूप है, ये मल्टी डिवाइस अपडेट है, मल्टी मोबाइल अपडेट नहीं है। मतलब यहाँ पे जो मजा आने वाला था वो मजा एग्जैक्टली नहीं आएगा। मल्टी डिवाइस मतलब हो गए वेब, डेस्कटॉप या फिर पोर्टल। यहाँ पे मोबाइल कहीं भी मेंशन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे आप एक नंबर को तीन मोबाइल फोन पे यूज नहीं कर सकते, लेकिन एक नंबर को आप डिफरेंट डिवाइसेज पे यूज कर सकते हो, जो कि आपका लैपटॉप हो सकता है, वेब हो सकता है या पोर्टल हो सकता है। वेल तो फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप खोलना है। ओके, इस प्रोग्राम को आपको ज्वाइन करना होगा, तो मेक श्योर आपने व्हाट्सएप बी का प्रोग्राम ज्वाइन किया है। अगर किया है तो यहाँ पे तीन डॉट पे जाओगे आप, ऊपर में यहाँ पे आ जाएगा लिंक्ड डिवाइसेस या फिर व्हाट्सएप वेब लिखा हुआ आएगा, दो ऑप्शन आएंगे वहाँ पे, जो भी आएगा आप क्लिक करो। यहाँ पे मल्टी डिवाइस बीटा का अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्लिक करते हैं। यहाँ पे आ जाता है वाई ज्वाइन द बीटा। बीटा के कुछ एडवांटेज है, दैट मीन सिंपल है कि आप एक व्हाट्सएप को मल्टीपल डिवाइस पर यूज कर सकते हो। आपका जो प्राइमरी डिवाइस है, जो आपका मोबाइल फोन है, वो नेट से कनेक्टेड हो या ना हो, लेकिन अगर आपने डेस्कटॉप पे व्हाट्सएप को लॉग इन किया हुआ है तो वो चलेगा। तो यहाँ पे जो प्राइमरी डिवाइस की डिपेंडेंसी थी वो फाइनली खत्म हो गई है। प्राइवेसी जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो प्राइवेसी यहाँ पे बिल्कुल वैसे की वैसे मेंटेन रहेगी। और लिमिटेशन यहाँ पे ये है कि जो पुराने वर्जन पे है, पुराने वर्जन के व्हाट्सएप पे है, वो इस फीचर को यूज नहीं कर सकता और आप भी उस बंदे के साथ वो फीचर यूज नहीं कर सकते। परफॉर्मेंस वगैरह थोड़ी सी इफेक्टेड होगी, ठीक है, बीटा वर्जन है, तो यहाँ पे ज्वाइन बीटा कर लेते हैं और इस तरीके से आप बीटा वर्जन के अंदर आ गए। इसके अलावा कुछ फीचर ऐसे हैं जो इन्होंने पहले से बता दिए हैं कि ये इस अपडेट के अंदर काम नहीं करेंगे। सिंपल क्या है, आप लाइव लोकेशन अपने डेस्कटॉप पे या अदर पोर्टल पे नहीं देख सकते, उसके लिए आपको प्राइमरी डिवाइस ही देखना पड़ेगा, जो कि आपका मोबाइल फोन रहेगा। आप यहाँ पे जो ग्रुप इनवाइट्स होते हैं, जो लिंक होते हैं, उसके थ्रू आप ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते। व्हाट्सएप में जो चैट्स होती हैं, जो आप हाईलाइट करना चाहते हो, ऊपर रखना चाहते हो, उसको पिन नहीं कर सकते यहाँ पे। इसके अलावा वो लोग जो व्हाट्सएप बीटा के अंदर नहीं है, जो इस प्रोग्राम से जुड़े नहीं है, उनके साथ आप इस फीचर को यूज नहीं कर सकते। मतलब सिंपल है, जो भी प्राइमरी मॉडिफिकेशन है वो आप अपने फोन से करोगे, बाकी जो अदर पोर्टल्स है वहां से आप कुछ नहीं कर सकते। वेल सुनने में आपने सुन लिया, इसको करके देखते हैं कैसे काम करता है। तो मैं अपने डिफरेंट पोर्टल पे जाता हूँ, दो लैपटॉप है उनको कनेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सी कैसे काम करता है। वेल तो ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर रेडी है डिवाइस के साथ, व्हाट्सएप वेब हमने डेस्कटॉप पे खोल लिया है। फोन के अंदर जाते हैं, यहाँ पर लिंक कर डिवाइस पे क्लिक करते हैं, ये हम कोड को स्कैन करते हैं और ये यहाँ पे लॉग इन हो गए हम। और मेरे मोबाइल पे अगर आप देखोगे तो डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, डिवाइस नंबर वन, और यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे डिवाइस पे कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे व्हाट्सएप बीटा लिखा हुआ है, सेंड एंड रिसीव मैसेजेस विदाउट कनेक्टिंग योर फोन, यूज व्हाट्सएप अप टू फोर डिवाइसेस एट सेम टाइम, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो व्हाट्सएप खोल लेते हैं, इधर गया मैं, यहाँ पे लिख दिया डेमो। ओके, मैसेज यहाँ पे आ गया, मेरे मोबाइल पे भी आ गया, डेस्कटॉप पे भी आ गया। ये तो काम पहले भी करता था, अब एक काम करते हैं, मेरे फोन को यहाँ पे हम कर देते हैं एयरप्लेन मोड में। पर्सर स्लाइड किया, एयरप्लेन मोड कर दिया, वापस जाते हैं डिवाइस पे और यहाँ पे दोबारा एक डेमो करके देखते हैं, डेमो, और यहाँ पे आ गया हाई डेमो, ग्रेट। एक काम करते हैं फोटो भेज के देख लेते हैं। ओके, तो ये मैंने कैफे की फोटो पिक करी और ये इमेज हम सेंड करते हैं और लेट्स सी यहाँ। सो ये एक कमाल की चीज है, जहाँ पे आपका जो प्राइमरी फोन है वो बंद पड़ा है, तब भी आपका जो व्हाट्सएप वेब है, डेस्कटॉप है, वो यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम कर रहा है। वेल तो अब ऑपरेशन थिएटर में दो पेशेंट आ गए हैं, एक विंडोज एक मैक, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं कैसे काम करता है मल्टी डिवाइस सपोर्ट। हमारे फोन पे चेक करेंगे, मल्टी डिवाइस बीटा में दो ब्राउजर आ गए हैं, सफारी मैक ओएस और गूगल क्रोम विंडोज, ठीक है, दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल पहले की तरह फोन को एयरप्लेन मोड में डाल देते हैं, दोबारा टेस्टिंग कर लेते हैं एक और फोटो भेज के। ये मैंने भेज दी एक और फोटो, हियर वी गो। मेरा प्राइमरी फोन नेट से डिस्कनेक्टेड है, कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैसेजेस दोनों प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, मैक पे भी और विंडोज पे भी। तो भाई ये था व्हाट्सएप का 2021 का सबसे बड़ा अपडेट, जो 2020 से चले आ रहा था और फाइनली अब आ गया है। प्राइमरी फोन स्विच ऑफ हो जाता है, खो जाता है, कहीं चला जाता है, छूट जाता है, उस केस में भी आप व्हाट्सएप को अपने डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हो, डिफरेंट पोर्टल पे यूज कर सकते हो। आई होप आपको फीचर पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा आपने, नहीं किया तो कर दो यार। आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।